चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पार्टी और जनता के बीच मांझी में खींची लकीर, राणा प्रताप संवारेंगे मांझी की तकदीर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपने अपने क्षेत्र में लगी हुई हैं व जनता के बीच पार्टी के नीतियों की बदौलत जीत का दावा कर रही हैं। वहीं 114 मांझी विधानसभा क्षेत्र इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां पार्टी तंत्र बनाम जनता के बीच खींची लकीर ने पार्टी प्रत्याशियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। बात करें एनडीए से बागी हुए पूर्व भाजपा नेता राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू की, तो अब एनडीए के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरकर चुनावी दंगल में हलचल पैदा कर दिया है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि डब्लू सिंह का कहना है कि जनता ने हमें अपना उम्मीदवार बनाया है और हर तबका हमें अपार समर्थन कर रहा है। हमारा मुख्य लक्ष्य ही मांझी विधानसभा का समूल विकास है, ना कि हवा हवाई बात कर चुनाव जीतना। पूरे विधानसभा में विगत 15 वर्षों से लगातार लोगों के बीच रहा हूँ, एक एक जनता की सेवा किया हूँ, बढ़ चढ़कर उनके दुख सुख में शामिल रहा हूँ। अब जनता ने हमें विधायक बनाने का ठाना है, उसे मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। आम जनमानस में भी राणा प्रताप सिंह का छवि स्पष्ट दिख रही है। युवा नौजवान हो या वृद्ध, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि पार्टी तंत्र के ऊपर जनता की जिद हावी है और निर्दलीय उम्मीदवार राणा प्रताप की जीत निश्चित है। मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। मांझी 114 विधानसभा क्षेत्र को लेकर काफी उधेड़बुन है इस बार की, आखिर किसके सर ताज पहनने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं पे आप देख सकते हैं कि एक प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी है राणा प्रताप सिंह डब्लू, जिनको लेकर युवाओं में काफी जोश और जुनून है इस बार राणा प्रताप सिंह को जिताने को लेकर। आप देख सकते हैं यहाँ कितने संख्या में युवा इनके साथ घूमे। क्या नाम हुआ? जसवंत सिंह। क्या लगता है इस बार डब्लू भैया जीतेंगे? बिल्कुल। और कोई युवा क्या लगता है आपके बार डब्लू भैया जीतेंगे? ये कोई जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, केवल हर जात से इनका संबंध है, हर दरवाजे पर जाते हैं। अब की इनको कोई हराएगा नहीं, इनसे कोई किसी का भी टक्कर नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जैसे कि लगभग 15 सालों से लगातार समाज में सेवा करते आ रहे डब्लू सिंह को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं पे और कुछ लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार डब्लू सिंह को लेकर। आप लोग हमारे नवयुवक नेता हैं राणा प्रताप सिंह और डब्लू भैया, जिनके नवयुवक पूरा जमात में लगे हुए हैं। हमारे भैया 15 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे सर पटक रहे हैं। हम लोग का चाहना है, मेहनत करना है कि आज के आने वाला समय में डब्लू भैया विधायक बने लगे, क्योंकि बिल्कुल विकास को लेकर युवाओं ने इनको अपने मत से इनको खड़ा कराया है। इनको अपने कहने पे जनता के टिकट से इस बार डब्लू सिंह है। चूंकि डब्लू सिंह के बारे में बता दें कि डब्लू सिंह भाजपा के भी सदस्य कैंडिडेट अच्छे रहे हुए हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने के कारण जनता ने इन्हें अपने प्रेशर से इनको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं पे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है डब्लू सिंह के बारे में। क्या कहेंगे? पहले से समाज में बानी और जनता के बीच में काम के लगभग 15 साल से टिकट नाम भी जनता यहाँ के खड़ा करा के अपना बल पर बिल्कुल जनता सभी जात समुदाय के लोग इनके साथ है। यहाँ जात पात मांझी में कुछ नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि राणा प्रताप को अब की जीता कर विधानसभा भेजना है काफी मतों से। बिल्कुल, विधानसभा में आपको डब्लू का एक नंबर प्रवृत्ति है। विधानसभा में नीतीश जी से लोग क्षुब्ध हैं और डब्लू को लोग एकदम जी जान से लगे हुए हैं जिताने के लिए, और इनके टक्कर में कोई नहीं है। आप लोग सभी इस वर्ष सारे नवा जुआ बूढ़ा सियान जो भी है सब डब्लू के साथ है और डब्लू भारी मतों से विजयी होंगे, इसको कोई नहीं हरा सकता। जो प्रत्याशी हैं मांझी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी डब्लू सिंह, राणा प्रताप उर्फ डब्लू सिंह, जिनसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में। काफी जोश के साथ युवा आपके साथ जुड़े हैं। विकास, रोजगार, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले और जातिवाद को तोड़ देना, कुछ ऐसा आपने मैनिफेस्टो अपना तैयार किया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। 14 साल से ऐसे ही रोजगार के लिए आप क्या करें? 14 साल से ऐसे ही मैं घास नहीं कर रहा,
तरवा हर सुख सुविधा छोड़कर मैं जिस तरह से 48 डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस में मैं माझी में घूमा हूँ हर दरवाजे पर, मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुख्यमंत्री रोजगार और एक छतरी के नीचे सारी कास्ट को लाना ये मेरी प्राथमिकता है। उसके माझी में शिक्षा को और चिकित्सा दोनों बद से बदतर स्थिति है, उसके बारे में आप क्या? चिकित्सा तो है ही मेन है, मेरे जीतने के बाद चिकित्सा तो ठीक होगी, जो प्रशासन पर जो कमी हो गई है वो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन मेरे नाम पर कांप उठेगी, अपना ध्यान रखेगा, घर किसी भी व्यक्ति का काम नहीं होगा। और अपने जीत के प्रति काफी दावा भी कर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि कहां तक ये ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोरंजन पाठक।